हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। कैट इज नाउ ओनली 45 डेज अवे, अप्रोक्सीमेटली 45 डेज अवे, एंड नाउ इज नॉट द टाइम टू लिंगर अराउंड, है ना। नाउ वील हैव टू गेट सीरियस। मेनी ऑफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस लॉन्ग, एंड नाउ इज द टाइम टू पुट इन द लास्ट गियर एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो वॉट यू नीड टू डू और हाउ यू नीड टू अप्रोच दिस लास्ट फेज of your preparation is what we are going to discuss in this video. So, 45 days, what are you boys expected to do? So, the first thing is spend a lot of time on revision and mocks. That is the most important thing. Don't invest time into something new. Okay, now try to understand one thing. You might have failed कि आपने अभी एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का टेस्ट दिया है, उसके बाद यू स्टार्ट राइटिंग अ मॉक, तो यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस मच क्विकली, एंड यू आर एबल टू अप्रोच इट मच फास्टर। यू आर एबल टू अटैक दैट क्वेश्चन बाय बिकॉज यू हैव जस्ट रिवाइज्ड दैट पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। सो रिविजन ऑफ टॉपिक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइटिंग मॉक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ मेनी पीपल मस्ट बी थिंकिंग कितने मॉक्स देना चाहिए। फ्रॉम हियर ऑन अप्रोक्सीमेटली 30 मॉक्स आपने देना चाहिए। सो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू शुड राइट अ मॉक एवरी ऑल्टरनेट डे। सो 7 to 8 मॉक्स यू बी एबल टू फिनिश इन दिस मंथ, एंड देन 20 to 25 मॉक्स इन द नेक्स्ट मंथ, एंड दैट विल बी सफिशियंट। नाउ वाइल राइटिंग द मॉक यू नीड टू डू सर्टन थिंग्स। नाउ यू नीड टू एनालाइज द मॉक्स, यू नीड टू मेक द फाइनल स्ट्रेटेजी। दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, ठीक है। बट देन योर मैक्सिमम टाइम शुड नाउ बी इन्वेस्टेड इन रिविजन एंड इन मॉक्स रैदर देन इन्वेस्टिंग इट इन टू लर्निंग अ न्यू टॉपिक। नेक्स्ट, बी रूथलेस इन डंपिंग द टॉपिक्स, है ना। जैसे अभी पैराजम्बल्स इज वन ऑफ द टॉपिक्स जो आई एम वेरी मच अनकंफर्टेबल विद, है ना। आई एम जनरली नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन पैराजम्बल्स। आई हैव डिसाइडेड पैराजम्बल्स आई डंप यू। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स वॉट वी आर थिंकिंग अबाउट। ओके, अदर देन दैट, अदर देन पैराजम्बल्स, देर मे बी मेनी अदर टॉपिक्स लाइक यू आर नॉट गुड इन ज्योमेट्री। डंप इट, क्लियरली डंप इट, डोंट इन्वेस्ट एनी टाइम ओवर देयर, है ना। यू हैव ट्राइड मास्टरिंग दैट टॉपिक बट यू हैव नॉट गॉट द हैंग ऑफ इट। नाउ इज द टाइम टू डंप इट। नाउ देयर माइट बी सर्टन टाइप्स ऑफ पजल्स, लेट अस से गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जस्ट डंप इट। ओके, यू आर नॉट गुड इन लॉगरिथम, जस्ट डंप इट। डोंट इन्वेस्ट टाइम इन टॉपिक्स विच यू आर नॉट गुड इन, है ना। जस्ट डंप इट इन द मॉक। ये एज सून एज यू सी अ क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जस्ट लीव इट एंड मूव अहेड। नेक्स्ट, ड्रॉप द लर्निंग, फोकस ऑन कंसोलिडेटिंग। दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। डोंट फोकस ऑन थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल, जैसा मैं अभी बताते जा रहा हूँ, है ना। इसका एक बहुत बेटर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू। वेन एवर यू राइट अ टॉपिक और वेन एवर यू राइट अ मॉक, यू टेंड टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस विच यू हैव रिवाइज्ड रिसेंटली, है ना। सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज अ लॉट ऑफ टॉपिक, है ना। फोकस ऑन कंसोलिडेटिंग द कंसेप्ट्स विच यू आर गुड इन, है ना, रैदर देन वरिंग अबाउट टॉपिक्स विच आर नॉट दैट स्ट्रांग। फोकस ऑन टॉपिक्स दैट आर स्ट्रॉन्ग। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट योर सेमेस्टर एग्जाम और योर बोर्ड एग्जाम वेर यू नीड टू फिनिश 100% ऑफ द सिलेबस, वेर यू नीड टू नो ईच एंड एवरी टॉपिक। दैट इज नॉट द केस। इफ इफ यू हैव सीन द मॉक्स और इफ यू हैव सीन द परसेंटाइल स्कोर्स इन द मॉक्स और इफ यू हैव सीन कैट 21 मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, 50% मार्क्स विल फेच यू 99%। ओके, 50% मार्क्स इफ यू वॉन्ट टू स्कोर 50% मार्क्स, आज तक जिंदगी में कौन से एग्जाम में 50% मार्क्स हमने नहीं स्कोर किए हैं, है ना। स्कोर 40% मार्क्स एंड यू विल गेट 80%। ओके, दैट इज वॉट वी आर टारगेटिंग। ओके, एंड वंस यू डू दैट, वंस यू मेक दैट चेंज और वंस यू मेक दैट शिफ्ट इन योर एटीट्यूड, द थिंग्स विल स्टार्ट फॉलोइंग इन प्लेस। अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको ये सोचना है कि मेरे को सब कुछ नहीं करना है, मेरे को बस उतना ही करना है जिससे मेरे को 90, 95, 99 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल आ जाए, है ना। 80 परसेंटाइल इज द नंबर फ्रॉम वेयर द मैजिक हैपेंस। 80 परसेंटाइल
अगर आपका आता है फ्रॉम देयर यू कैन स्टार्ट कन्वर्टिंग गुड कॉलेजेस डिसेंट कॉलेजेस एंड हैव अ गुड करियर एंड गुड लाइफ अहेड। तो 80 परसेंटाइल इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। 80 परसेंटाइल लाने के लिए यू नीड टू स्कोर ओनली 40-45 मार्क्स, मैक्सिमम 50 मार्क्स। नाउ आउट ऑफ 198 50 मार्क्स इज वॉट 25% मार्क्स, है ना? उतने तो आ ही जाएंगे यार, है ना? चेक मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फॉर कैट 21 एंड इवन फॉर कैट 2020, बट देन वी आर एक्सपेक्टिंग कैट 21 का पेपर पैटर्न। सो कैट 21 का जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है, इफ यू चेक दैट, आपको आइडिया आ जाएगा कि मेरे को कितना करना है, ठीक है? नेक्स्ट इज रिवाइज एंड रिविजिट टॉपिक एंड टॉपिक वाइज टेस्ट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना? टॉपिक वाइज टेस्ट जितने आप दोगे उतना आपका टेस्टिंग योर पैरामीटर्स और टेस्टिंग द कंसेप्ट विल बी बेटर, है ना? फ्रॉम हियर ऑन डू एवरीथिंग इन टेस्ट फॉर्मेट, ओके? बिकॉज विदाउट द प्रेशर ऑफ द टाइमर यू मे बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना? एक मैं अभी आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन दे दूं, 10 क्वेश्चन दे दूं, आप 10 के 10 सॉल्व कर दीजिए। बट इफ आई मेक कीप अ टाइमर ऑफ 15 मिनट्स फॉर दोस 10 क्वेश्चन, यू विल पैनिक एंड देन यू विल यू मे नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन जो आप जनरली सॉल्व करते थे, है ना? नाउ वी नाउ इज द टाइम टू फोकस ऑन डेवलपिंग दैट स्किल एज वेल, कि वी हैव टू परफॉर्म अंडर द प्रेशर, वी हैव टू परफॉर्म अंडर द प्रेशर ऑफ द टाइमर एज वेल, ओके? सो वॉट एवर यू डू हियर आफ्टर शुड बी विद अ टाइमर ऑन, ओके? सो इफ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम अ टॉपिक वाइज टेस्ट, ऑब्वियसली देयर विल बी अ टाइमर ऑन। इफ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम अ बुक, मेक अ टाइमर, ओके? लेट अस से दीज आर 20 क्वेश्चन, दीज आर हाई लेवल क्वेश्चन, लेट मी कीप अ टाइमर ऑफ 50 मिनट्स एंड ट्राई टू सॉल्व दिस 20 क्वेश्चन। Try to do it in this fashion. It will help you a lot. It will make you leave the questions that are difficult, and that is a very good skill to have. Okay, how well you solve the question is important, but how well you leave the question is equally important. And we have to learn that skill. And to learn that skill, we'll have to solve everything using a timer. Next, time to finalize your mock strategy. This is something that by the end of October you should be ready with, okay? So that you give minimum 15 mocks with your final strategy. Now the final strategy, it should be like ki yaar mere ko parajumpers nahi aata hai, main parajumpers chhod dunga. RC main ek din first passage, I'll read the first passage of RC, I'll decide yes it is in my comfort zone, I'll go ahead. Then I went go to DILR section in 6 minutes if I am able to get a good result or good data out of the data out of the DILR set, then only I'll proceed, or else 6 minute is my timer, 6 minute is my limit wherein I'll leave the DI set. Then I go to quant section. Quant section may I am not good in time split distance, but I am good in permutation combination, I am good in algebra, I am good in geometry, I am not that good in SICI question, so I'll leave that. है ना? दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी शुड बी रेडी फॉर, है ना? एंड नाउ इज द टाइम टू फाइनलाइज दैट, सो दैट इन द मंथ ऑफ नवंबर यू एक्चुअली गिव 10-15 मॉक्स यूजिंग दैट स्ट्रेटेजी, ओके? एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो नीड टू टेक प्रेशर। कैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना? रिमेंबर दिस, है ना? इफ एवरी वन इज नॉट विराट कोहली टू परफॉर्म अंडर द प्रेशर, ओके? मेनी ऑफ यू मस्ट बी फेसिंग द प्रेशर कि यार मेरा ड्रॉप ईयर है, क्या बहुत ज्यादा प्रेशर है ना? सम ऑफ यू आर थिंकिंग कि यार मैं जॉब छोड़ के कर रहा हूँ, दैट इज अ डिफरेंट प्रेशर। सम ऑफ यू आर थिंकिंग कि मेरे को जॉब से निकलना है, दिस इज माई लास्ट ईयर, है ना? सम स्टूडेंट्स आर थिंकिंग ये साल MBA क्यों नहीं हुआ तो शादी करा देंगे, है ना? सम ऑफ यू किसी का घर से प्रेशर होगा, किसी का बड़ा भैया बहुत ब्रिलियंट होगा, उसने जिंदगी में कुछ अलग से फोड़ के रखा होगा, तो उसका कंपैरिजन चलता होगा, ठीक है? दैट इज गोइंग टू बी देयर, आई कैन नॉट हेल्प यू इन दैट, बट डोंट टेक द प्रेशर। अभी ये मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, बट आपको करके दिखाना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है हाउ यू चेंज द माइंडसेट, ठीक है? कैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना? इफ यू फेल इन कैट देन देर आर 5 अदर वेज टू सक्सीड, है ना? देर आर 5 अदर वेज टू प्रूव योर सेल्फ। तो वो प्रेशर के साथ मत जाओ कि मेरे को ये करना है, जस्ट गो विद द माइंडसेट कि मेरे को मेरा बेस्ट देना है। आगे के 45 डेज मेरे को ऐसे देने हैं कि मैं मेरा इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? जस्ट पुट इन दैट काइंड ऑफ एफर्ट फॉर नेक्स्ट 45 डेज, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम, ठीक है? बाकी जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं
ऑनेस्टली स्पीकिंग आई कैनॉट डू एनीथिंग, बट देन आई कैन ओनली टेल यू कि यार ये मत करो कि मुझे आपको प्रूव करके, किसी को, पेरेंट्स को प्रूव करना है, मुझे मेरे सर को प्रूव करना है, ठीक है, वो प्रेशर के साथ मत जाओ. जस्ट गो विद द माइंड सेट कि दिस, ये 45 डेज में मेरा बेस्ट देने वाला हूँ, इससे बेटर मैं कुछ नहीं कर सकता था, एंड जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, ठीक है, एंड रिजल्ट अच्छा ही आएगा इफ यू पुट इन द बेस्ट, ठीक है. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव यू फॉलो ईच एंड एवरी पॉइंट एंड फॉलो द स्केड्यूल दैट यू हैव मेड. ओके, जो कुछ भी स्केड्यूल बना है वो फॉलो करो, रेगुलरली मार्क्स दो, निकल जाएगा, ठीक है. और कोई बात है तो बताओ, और एल्स विल वाइंड अप हियर. यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और द नंबर इन द इमेज ओवर हियर. जस्ट मेक श्योर दैट वी आर, यू आर फ्री ऑफ एनी बर्डन एंड वी आर देयर टू टॉक विथ यू एनी टाइम. थैंक यू सो मच. जय हिंद.